और कुछ नहीं लेना मुझे। पक्का? हाँ। इस टाइम तुम्हारे सामने गाइस और कुछ नहीं चाहिए तो अब हम इसे बेली वाली कुछ नहीं लाएंगे। तू क्यों एक्साइटेड है बेटा? हाँ, फ्री का खाना पीना खाने को मिलेगा। फ्रेंड्स, हम लोग महाकुन मॉल में मोची ब्रांड पे थे और यहाँ पे ये जो बंदा है, यानी मेरा आपसे और सारे बच्चों से यही कहना है कि अगर कोई आपके साथ मिसबिहेव करे तो टॉलरेट नहीं करना है। ओके, हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड, जैसा आपने लास्ट व्लॉग में देखा था, जिनी को अपनी ड्रेस अभी तक नहीं मिली एंड ध्वनि की तो फर्स्ट डे फाइनल हो गई थी। तो जिनी, आपको क्या ऑनलाइन भी नहीं समझ में आई? फ्रेंड्स, मैं सच बता रही हूँ, मुझे मैंने इतना छाना है ऑनलाइन, मतलब पूरा छान दिया है। जिनी, वो कोई आटा था जो तुमने छान दिया है? पूरा निचोड़ दिया है ऑनलाइन, नींबू की तरह निचोड़ दिया है। लाइक नींबू जिनी को ऑनलाइन भी नहीं समझ में आया। पहले हम लोग सोच रहे थे साउथ एक्स जाए, बट हमने सोचा एक बार पहले इसको जो ड्रेस पसंद है मैं बुटीक पे पूछ लूं कि वो डिजाइन हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। और आज हमें बर्थडे पार्टी में भी जाना है तो हम लोग रेडी होके बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं। उससे पहले हम जा रहे हैं बुटीक पे पता करने की इसकी जिनी की ड्रेस बन पाएगी या नहीं बन पाएगी। तो आज बहुत सारा फन और हमारा बहुत सारा एडवेंचर बाकी है, तो चलो चलते हैं। चलो चलो, तो हम यहाँ पे आ गए हैं जिनी की ड्रेस फाइनल करने। ड्रेस मत दिखाओ, ड्रेस नहीं दिखाएं तो फिर ड्रेस बनेगी कैसे? अच्छा, पहले बन जाएगी। दीदी से पूछ तो ले, दीदी बन भी जाएगी। वो तो सरप्राइज होना चाहिए। हाँ, ड्रेस सरप्राइज। तो ड्रेस बन जाएगी जी? बिल्कुल बन जाएगी। टाइमली दिखाओ, टाइम से पहले बना कर देंगे। कोई इशू नहीं है, वो मैं आधे घंटे में भी कहूंगी तो दीदी तैयार कर देंगी। इतना ओवर कॉन्फिडेंस मत रखो, इतना तो कोई बात नहीं, वो ब्लर कर देंगे, तो टेंशन मत ले। चलो आप इसका करो दीदी फाइनल ना। ये ऐसे बन जाएगी, ठीक है इसके लिए। और ऊपर यहाँ पे नेट ही लगाओगे क्या? अच्छा लगेगा, नेट भी ले सकते हैं। ये तो मैं बोल रही थी, मिरर वर्क। हाँ, मिरर वर्क भी सुंदर लगेगा, थोड़ा स्पार्किंग आ जाएगा। बताओ, रेस्ट हमारी प्लेन रहेगी, प्लेन रहेगी ना, यहाँ पे पार्किंग बोल सकते। हाँ, वो चीज कर सकते हो। कलर्स क्या है? वही जो ध्वनि के जिनी, हाउ आर यू फीलिंग? वेरी नाइस, मेरी पूरी ड्रेस फाइनल हो गई। तो और कुछ नहीं लेना आपको? और कुछ नहीं लेना मुझे। पक्का? हाँ। इस टाइम तुम्हारे सामने गए और कुछ नहीं चाहिए तो अब हम इसे बैली वाली कुछ नहीं लाएंगे। और कुछ और मुझे और कुछ बुटीक से और कुछ नहीं चाहिए। तो कहाँ से चाहिए तेरे को? मैं मॉल जाऊंगी, हर जगह जाऊंगी घूमने के लिए। अच्छा, घूमने के लिए जाएगी, शॉपिंग के लिए नहीं जाएगी? शॉपिंग के लिए जाएगी, नाइट में जाएंगे हम शाम को। बर्थडे के लिए चले, बहुत लेट हो रहे हैं। थैंक यू बोला आपने, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, अब हम जा रहे हैं ध्वनि की फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में। ध्वनि, आपको कैसा लग रहा है? ध्वनि, आपको कैसा लग रहा है? तो चलो चले। तू क्यों एक्साइटेड है बेटा? हाँ, फ्री का खाना पीना खाने को मिलेगा। मस्त है, सच में फ्री का खाना पीना खाने को मिलेगा। हमें चलते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, हम आ गए बर्थडे पार्टी से वापस और जिनी ध्वनि को मिला है रिटर्न गिफ्ट। और ध्वनि तो शुरू हो गई है, खोल के देख रही है कि उसमें क्या है। ध्वनि ध्वनि रुक जा, ध्वनि तो उसमें गैस कर, इसमें क्या होगा?
तेरे को दिख गया, तो बता फिर क्या है इसमें कलर्स। चलो देखते हैं खोल के इसमें कलर्स हैं या नहीं है। गलत जवाब, इसमें है ध्वनि पेंटिंग किट। ठीक है अभी रुक जाओ, आप पर भी आई है। तो ध्वनि कैसी लगी आपको पेंटिंग किट? बहुत अच्छी। इसमें क्या क्या सामान है? पेंट्स हैं, ब्रशेस हैं और शीट्स हैं। तो अभी तू इसको खोलेगी तो नहीं ना, तो खोल के दिखा फिर इसमें क्या है। वाओ फ्रेंड्स, इसके अंदर देखो वाटर कलर्स हैं, वैक्स क्रेयॉन्स हैं, पेंसिल्स हैं, बहुत सारा सामान है। अब आते हैं जिनी पे। जिनी तू गैस कर इसमें क्या है। मैं मतलब मुझे नहीं मैंने मतलब दिखा नहीं है मेरे को। ये स्क्विशी टाइप का कुछ लग रहा है। स्क्विशी, स्क्विशी को हिंदी में क्या कहते हैं? वो नहीं पता। अच्छा अच्छा, फॉर्म टाइप की चीज। हाँ मतलब तो जल्दी खोल के दिखाओ। मुझे लग रहा है बैग टाइप कुछ हो। कभी बैग कह रहे, कभी स्क्विशी कह रही है। चॉकलेट सबसे अलग ही इसका वो निकल के आया है। ये क्या है? बुक्कड़ है। ये सबको नहीं बताते बुक्कड़ है। जी मतलब जिनी को तो खोलने में भी इतना टाइम लग रहा है। तो जिनी ये डेयरी मिल्क से ज्यादा तू मत खाइयो, तू ज्यादा मत खाइयो, हमें दे दियो, क्योंकि ये दांत के लिए होती है हानिकारक। मैं नहीं खाऊंगी, आप खा लेना। चल ठीक है, मैं खा लूंगा। तो चीनी मतलब मजा आया आपको? बहुत ज्यादा मजा आया। और ध्वनि आपको कितना मजा आया? बहुत अच्छा, एंजॉय किया। क्यों नहीं खाई? सुबह सुबह तो बेटा बच्चा है ना, ब्रश करते हैं। और तूने आइसक्रीम खा ली? मैंने की थी पहले उसमें। अच्छा तो तूने ब्रश कर दिया, आइसक्रीम खा ली? अरे अच्छे बच्चे, दूध पी दिया उसके बाद? नहीं, पहले ब्रश किया, फिर नाश्ता किया, फिर आइसक्रीम। और जिनी हाँ, तूने क्या किया? मैंने भी बर्थडे पार्टी में आइसक्रीम खाई है। ओके वेरी गुड। अरे जीनी धोनी, तुम थकते नहीं हो? अभी अभी तो तुम लोग बर्थडे पार्टी से आए थे और अभी तुम फिर से किसी चीज में लग गए हो। क्या चीज आई है? प्लैनेट्स वाली एक्टिविटी दिखाई थी। और इसमें क्या चीज है? हम लोग पूरा सोलर सिस्टम बनाना है। बिल्कुल ऐसे। ओके तो कब बनाना शुरू करोगे? अभी अभी बनाना शुरू कर रहे हो तुम लोग? ये रहा सन, ये रहा जुपिटर, नेप्ट्यून, नेप्ट्यून, यूरेनस। देखो यार, हमसे कितने छोटे-छोटे हैं और सही कह रही है जिनी। करना क्या है वो तो जल्दी शुरू करो। अच्छा दोनों मिलके कर लो ना। कमेंट करके बताना आपको दोनों में से किसकी पेंटिंग अच्छी लगती है। ध्वनि तो अभी छोटी है तो उसको थोड़ा एक्स्ट्रा मार्क्स दे सकते हो आप। हाँ ये ऐसी कोई बात नहीं होती, आप ध्वनि की साइड बहुत लेते हो पापा। ऐसा नहीं है, मैं दोनों की साइड लेता हूँ। पानी भी तो चाहिए। पानी नहीं, विदाउट पानी कर ले अभी। फ्रेंड देखो यहाँ पे ध्वनि लग गई है पेंट करने, इसने सन में येलो कलर करना शुरू कर दिया है। हमारी आर्टिस्ट। क्या हुआ ध्वनि, तू आलस में क्यों आ रही है? सिर्फ तू नहीं, मैं भी थक चुकी हूँ, पूरी थक चुकी हूँ। फ्रेंड्स मैं बता रही हूँ, अभी मैंने बहुत सारे प्लैनेट्स बना लिए हैं और मुझे सबसे बेस्ट प्लैनेट सन लग रहा है। बेस्ट प्लैनेट सन लग रहा है। तो बाकी का कब बनाओगे? बाकी अभी मैं थोड़ी देर में बनाऊंगी। मेरे हिसाब से तो हम एक काम करते हैं, आप लोगों के भी बेलीज पेंडिंग है। अच्छा तो बेलीज लेने चलते हैं, ठीक है ना? चले ध्वनि, कुछ समझ में आ रहा है तेरे को यहाँ पे? बैली दी है तूने? बैली लेने ही तो देने आई है। मतलब साइज देने आई है तो? मतलब साइज दिखाने के लिए मैं। अच्छा तो तेरे को ये बॉयज वाले पसंद आए? ये बॉयज वाले दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे।
अच्छा यहाँ पे गर्ल्स वाले भी लगे हुए हैं ना, वो तो गर्ल्स वाले पसंद आए हैं। ये आई ध्वनि की लूज है ना, ध्वनि ध्वनि ये लूज है, टाइट है, थोड़ी सी लूज है, थोड़ी सी लूज है। अगर आपको भैया हम छोटा मिल जाएगा, एक साइज आप दिखाइए ध्वनि तो उसमें छोटा साइज मिल जाएगा। तो यहाँ पे हो गया ध्वनि के साथ एक पंगा, इसको एक साइज आ रहा है बड़ा और एक साइज आ रहा है छोटा। तो ध्वनि अब क्या करना है हमें? तो मम्मी बताएंगे क्या करना है। अभी मैंने बोला था कुछ जुगाड़ हो जाएगी अंदर एक और कुछ, मतलब बेलीज में भी जुगाड़। क्या करूं कोई नहीं, उसकी प्रॉपर्टी मैचिंग ध्वनि, हमें आपकी ड्रेस के साथ मैच भी करना है ना। मेरी तो ड्रेस के हिसाब से मैच करता है, फ्रेंड्स को तो हमने बैली दिखा दी ड्रेस, लेकिन जरूरी थोड़ा ना कि वो यही बैली पहनेगी बर्थडे पे। आज जरूरी नहीं है, चलो देखते हो क्या लेती है। फ्रेंड्स हम लोग महाकुंभ मॉल में मोची ब्रांड पे थे, और यहाँ पे ये जो बंदा है ये बच्चे से बदतमीजी से बोल रहा है, और हमें नहीं पता यहाँ पे इनके कस्टमर कैसे कैसे यहाँ पे सामान लेते हैं। और कभी बताइएगा महाकुंभ मॉल में, महाकुंभ मॉल में मोची पे हैं हम लोग, और यहाँ पे कोई कस्टमर से कोई ठीक से डील नहीं करता है, आप इस शॉप पे बिल्कुल मत आना। तो फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं बाटा पे, और यहाँ पे ध्वनि थोड़ी एक्साइटेड है। अब तो ध्वनि कुछ समझ में आ रहा है आपको? हाँ, मैंने अभी एक बैली देखी है, दो बैलीज देखी है, एक साथ दो ही बैलीज तो लेते हैं हमेशा। और ध्वनि मेरा आपसे और सारे बच्चों से यही कहना है कि अगर कोई आपके साथ मिसबिहेव करे तो टॉलरेट नहीं करना है। ओके ओके ध्वनि, ओके चलो अब हम आपकी बैलीज देखते हैं, पहना के देखते हैं कैसी है। okay. तो ध्वनि कुछ फाइनल हुआ आपका? किसमें साइज नहीं है आपका? अच्छा ये मल्टी कलर में, ये मल्टी कलर में साइज नहीं है, तो अब आपने क्या लिया है? मुझे ये सबसे प्यारी लगी है। ये आपको सबसे प्यारी लगी है? ये भी अच्छी है, लेकिन हम कोशिश करेंगे अगर हम आपके बर्थडे की विश भी पूरी कर देंगे मल्टी कलर वाली ले लें, तो बाकी देखते हैं हम इसकी बिलिंग कराते हैं और हम कल को बोलेंगे। मल्टी कलर चैलेंज में पहननी चाहिए, मल्टी कलर चैलेंज में पहननी चाहिए थी, तो हम नेक्स्ट टाइम ध्वनि के लिए मल्टी कलर चैलेंज के लिए यही ले लेंगे। तो ध्वनि हम इसकी बिलिंग करा लें? यस चलो। जिन्हें कुछ पसंद आ रहा है आपको? क्या पसंद आ रहा है आपको? मुझे एक बैली पसंद आई है। एक बैली पसंद आई है, तो दोनों का पेयर तो नहीं लेगी ना तू? दोनों का पेयर, तूने कहा मुझे एक बैली पसंद आई है, एक बैली का एक पेयर आधी भी ले सकती है तो। अरे पहले ट्राई कर ले, बातें मत बना। फ्रेंड्स ये देखो बहुत प्यारी, क्या नीली पीली हरी लाल सी ये ले रही है बैली, बहुत अच्छी लग रही है। इससे बड़ा चाहिए? जीनी तो बहुत लंबी लंबी सी लग रही है, मजा आ रहा है जी? नहीं मजा आ रहा है। तो फ्रेंड्स फाइनली हमारी शॉपिंग हो गई है कंप्लीट, और हम आ गए हैं घर वापस। तो कैसा लगा बच्चों? बहुत मजा आया शॉपिंग करके, और मैं थक गई। हमारी पसंद की पहली स्लीपर सब आ गए ना? पक्का पक्का, डन डन। तो फ्रेंड्स आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दो। और हाँ फ्रेंड्स, अगर ऐसा ही बटन ग्रे है तो उसको ग्रे ही रखना, और जिसका रेड है ना वो क्लिक करके जल्दी जल्दी ग्रे कर दो बिल्कुल ऐसा। जल्दी सब्सक्राइब, बेल आइकन भी दबा देना नोटिफिकेशन के लिए। और वी होप फ्रेंड्स आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया हो, तो जल्दी जल्दी इस ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। अरे अरे जा कहाँ आ रही हो? ये वाली वीडियो देखी? अगर नहीं देखी तो जल्दी से क्लिक करके देखो।